नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की उबरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इस दिन से शुरू होगा बिहटा एयरपोर्ट पर सिविल इनक्लेव का निर्माण। नीट पेपर लीक मामले में ईडी की होगी एंट्री। नए सिरे से बनाया जाएगा सुल्तानगंज अगुवानी पुल। इस मामले में शिक्षा विभाग प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई की कर रही तैयारी। बुमराह ने बताया अपने फेवरेट फॉर्मेट, भारत के महान कप्तान को लेकर कहिए बात। अब चले बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। देश विदेश की कंपनियां बिहार के लोगों को रोजगार देने के लिए करवा रही निबंधन। देश विदेश की कई कंपनियां बिहार के लोगों के लिए रोजगार के अवसर देने में दिलचस्पी दिखा रही है। दरअसल 1,28,000 से भी अधिक कंपनियों ने एनसीएस पोर्टल पर अपना निबंधन करवाया है, जो बिहार के लोगों को रोजगार देना चाह रही है। आपको बता दें कि आज से 2 साल पहले तक बिहार के लिए काफी कम कंपनियां ही ऐसी थी जो अपना पंजीकरण करवा रही थी, लेकिन अब आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है। अभी बीते 3 महीने से 18,294 कंपनियों ने अपना पंजीकरण करवाया है। नीट पेपर लीक मामले में ईडी की होगी एंट्री। नीट पेपर लीक मामले की जांच के लिए अब ईडी की एंट्री होने वाली है। सीबीआई ने इस मामले में जिन भी अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए हैं, उन सभी के संपत्ति की जांच ईडी करने वाली है। इसमें कई आरोपी अज्ञात भी हैं। ऐसे में जांच के दौरान अन्य कई अभियुक्तों के शामिल होने की संभावना है। मालूम हो कि इस मामले में संजीव मुखिया, अमित वत्स और कुछ अन्य मुख्य आरोपी फरार हैं। ईडी नेट पेपर लीक मामले में पाए गए आरोपियों की संपत्ति खंगालेगी। इस दिन से शुरू होगा बिहटा एयरपोर्ट पर सिविल इनक्लेव का निर्माण। सिविल इनक्लेव का निर्माण बिहटा एयरपोर्ट पर नवंबर महीने से शुरू करने की तैयारी है। इस निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की बात सितंबर महीने से की जा रही है। 8 एकड़ अतिरिक्त जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को बिहार सरकार अक्टूबर महीने तक सौंप देगी। प्रदेश सरकार द्वारा करवाए गए सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट मिल चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अब मुआवजे के दर के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। जब ये तय हो जाएगा तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इस मामले में शिक्षा विभाग प्रधानाध्यापक पर कर रही कार्रवाई की तैयारी। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि विद्यालयों में निरीक्षण के क्रम में रोकर पंजी की जांच करें। यदि 1 महीने तक रोकर पंजी अद्यतन नहीं पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापकों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। ये निर्देश शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ की तरफ से दिया गया है। यदि प्रधानाध्यापक वित्तीय प्रबंधन में अपना सही कौशल नहीं दिखा पाते हैं और लापरवाह पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के तहत यदि 15 दिन से अधिक विलंब की स्थिति में संबंधित सहायक और प्रधानाध्यापक का वेतन बंद कर दिया जाएगा। यदि ये विलंब 1 महीने का रहा तो उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि स्कूल में प्रधानाध्यापक द्वारा रोकर पंजी को समय पर अद्यतन नहीं किए जाने के कारण कार्यालय स्तर पर सभी काम ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। इसी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। प्रदेश के 155 थाने में खराब पाई गई सीसीटीवी, अब पुलिस पदाधिकारियों पर एक्शन की तैयारी। राज्य के 32 जिलों के 155 थाने सीसीटीवी कैमरे को लेकर गंभीर नहीं है। इन थानों में सीसीटीवी कैमरे खराब पाए गए हैं, इनका ठीक से संचालन नहीं हो पा रहा है और कई जगहों पर तो छेड़छाड़ करने पर ये बंद भी पाए गए हैं। इस लापरवाही पर पुलिस मुख्यालय गंभीर हो चुकी है। ऐसे में संबंधित जिले के एसएसपी और एसपी को इसके लिए दोषी पाए जाने वाले पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों पर पुलिस उपनिरीक्षक, महानिरीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो ने कार्रवाई करने की बात कही है। पुलिस उप महानिरीक्षक ने लिखा है कि उपकरणों के साथ छेड़छाड़ के साथ उसके रखरखाव में लापरवाही बरती जा रही है। सीसीटीवी कैमरे के संचालन में यूपीएस और बैटरी लगाए गए हैं, लेकिन इसमें अतिरिक्त बिजली के तार जोड़कर इन पर क्षमता से अधिक भार दे दिया गया है, जिससे शॉर्ट सर्किट की समस्या आ रही है। यहां तक कि कई थानों में तो देखा गया कि सीसीटीवी कैमरे के संचालन में लगे उपकरणों को कबाड़ के बीच में रख देने से इनका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। बिहार में मॉनसून हुआ सक्रिय। बिहार में एक बार फिर से मॉनसून के तेवर बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल 20 अगस्त से प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि 27% तक बारिश इस अगस्त में दर्ज की गई है। हालांकि अभी भी प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। बीते दिन भी कई जगहों पर अच्छी खासी वर्षा देखने को मिली थी। बारिश के साथ बिजली गिरने और मेघ गर्जन की संभावना भी है। ऐसी स्थिति में लोगों से अपील की जाती है कि मौसम को लेकर सतर्क रहें। पूर्णिया के इस परिवार ने समाज के लिए कायम की मिसाल। अपने जीवन में लोग जरूरतमंदों के लिए कई तरह के मदद करते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद भी यदि कोई किसी को नया जीवन दे दे तो ये मिसाल बन जाती है।
कुछ ऐसे ही चीजें पूर्णिया में देखने को मिली हैं। दरअसल पूर्णिया के दुग्गर परिवार के 12 लोगों ने अपने जीते जी नेत्रदान का संकल्प लिया है। इन्होंने अपनी मां से प्रेरणा लेकर ये मिसाल कायम की है। इनकी मां का निधन 30 जून 2024 को हुआ था। अपनी मृत्यु से पहले इनकी मां इंदिरा दुग्गर ने भी अपना नेत्रदान किया था, जिसके बाद इंदिरा के बेटे गुलाब चंद और विनोद अपनी मां की राह पर चले और अपने परिवार के साथ नेत्रदान का संकल्प लिया। इनके इस फैसले के बाद इन्हें दधीची देहदान समिति ने सम्मान पत्र और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया है। नए सिरे से बनाया जाएगा सुल्तानगंज अगुवानी पुल। गंगा नदी पर खगड़िया के अगुवानी घाट और भागलपुर के सुल्तानगंज के बीच बन रहे पुल का पिलर मलबा शनिवार को ढह गया, जिससे मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। पानी के तेज बहाव में पिलर नंबर 9 और 10 के बीच का सपोर्टिंग सिस्टम बह गया। पुल ढहने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुल निर्माण निगम ने बताया कि पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर पुल को नए सिरे से बनाया जाएगा। इसके लिए नया डिजाइन तैयार किया जा रहा है और जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी निर्माण कार्य फिर से शुरू होगा। बिहार में दुष्कर्म के मामले में आरोपी के घर चला बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी एक आरोपी के घर बुलडोजर चला है। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र के एक किशोरी के दुष्कर्म के बाद उसके मर्डर के मामले में मुख्य आरोपी संजय राय के घर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को ही पुलिस ने डुगडुग्गी बजाकर आरोपी संजय के घर इश्तेहार चिपकाया था। इसमें शनिवार के दिन 12 बजे तक उसे आत्मसमर्पण करने की बात कही गई थी, लेकिन बावजूद इसके आरोपी ने आत्मसमर्पण नहीं किया, जिसके बाद सीओ मुकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने पक्के मकान की खिड़की दरवाजा और चौखट उखाड़ने के बाद आंगन में बने घर को पूरी तरह से बुलडोजर चलाकर जमीन दोज कर दिया। साथ ही 3 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 पिकअप में सामान लाद कर थाने ले गई। पूर्णिया के 75 पुलिस पदाधिकारियों पर एक साथ कार्रवाई की तैयारी। पूर्णिया में 75 पुलिस पदाधिकारियों पर उनके लापरवाही के कारण कार्रवाई की तैयारी है। दरअसल जिले में दर्ज होने वाले मामलों के निष्पादन में उन्होंने लापरवाही बरती थी, जिसके बाद एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने इन सभी 75 पुलिस पदाधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दिए हैं। एसपी ने वेतन पर रोक लगाते हुए कहा है कि इसके बाद भी अगर इन पुलिस पदाधिकारियों द्वारा अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं लाया जाता है तो उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही इन्हें निलंबित भी किया जा सकता है। जहानाबाद मंदिर में हुए हादसे में दोषियों पर जिला प्रशासन कर रही कार्रवाई की तैयारी। अभी हाल में ही जहानाबाद जिले में स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ की खबर सामने आई थी। इसमें 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 15 लोग घायल हो गए थे। इस मामले को लेकर जांच कमेटी का गठन हुआ। उसके बाद 15 अगस्त को डीएम अलंकृता पांडे और एसपी अरविंद प्रताप सिंह को जांच कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है। जांच रिपोर्ट के बाद आरोपियों पर नकेल कसने की तैयारी है। इस मामले को लेकर जिला प्रशासन ने प्रेस बयान भी जारी किया है, जहां कहा गया है कि भगदड़ की दुखद घटना के दौरान जो भी प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी व कर्मी कार्यस्थल पर अनुपस्थित पाए गए या उपस्थित होकर भी अपने कार्यों के निर्वहन में असफल रहे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा जांच कमेटी द्वारा की गई है। अवैध दवाई और लाखों के कैश के साथ जमुई पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। बिहार की जमुई पुलिस ने अवैध दवाइयों के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इन तस्करों पर कार्रवाई की है और 30 लाख रुपए से ज्यादा कैश भी बरामद किए हैं। दरअसल टेम्पो पर सवार 3 लोग बोरे में कुछ ले जा रहे। पुलिस ने शक के आधार पर बोरा खोला तो बोरे के अंदर से एक बक्से से 23,67,497 रुपए और कई अंग्रेजी दवाई बरामद किए गए। एसडीपीओ झाझा राजेश कुमार ने बताया है कि पुलिस ने बरामद दवाइयों की जांच पड़ताल के लिए ड्रग्स इंस्पेक्टर को सूचना दी है। दंडाधिकारी के रूप में अंचलाधिकारी सोनी और आयकर विभाग को भी सूचना दी गई है। आयकर विभाग चारों गिरफ्तार शख्स से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पशुपति की पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए तरारी के पूर्व विधायक सुनील पांडे। बिहार के बाहुबली नेताओं में से एक और पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे ने पशुपति पारस की पार्टी RLJP की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन्हें बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। बीजेपी की सदस्यता सुनील पांडे ने अपने बेटे विशाल प्रशांत और कई समर्थकों के साथ लिए हैं। आपको बता दें कि सुनील पांडे बक्सर के तरारी विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक रह चुके हैं।
पुल गिरने के मामले में एसपी सिंगला कंपनी और मिनिस्टर पर पप्पू यादव का तीखा हमला। बिहार में पुल गिरने के मामले में चर्चा में आई एसपी सिंगला कंपनी को लेकर पप्पू यादव ने सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि एसपी सिंगला कंपनी को फांसी मिले, इस कंपनी के मुद्दे पर लोकसभा नहीं चलने दूंगा। पप्पू यादव ने कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाने की बात कही है, साथ ही इस कंपनी के मालिक पर लूटने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पटना में सारे पुल गिरे हैं, अलग अलग कंपनी बना, एसपी सिंगला कंपनी को टेंडर दिया गया, पुल निगम के सेक्रेटरी और मिनिस्टर ने इसमें बदमाशी की है। साथ ही उन्होंने मांग की कि इनके खिलाफ जांच और इस कंपनी के सारे टेंडर रद्द कर दिए जाएं। बुमराह ने बताया अपने फेवरेट फॉर्मेट भारत के महान कप्तान को लेकर कहिए बात। T20 विश्व कप 2024 खेलने के बाद भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इन दिनों आराम पर हैं। हालांकि अब बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज में उनकी वापसी हो सकती है। अब इसी बीच बुमराह ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए अपनी फेवरेट फॉर्मेट बताई है और भारत के महान कप्तान को लेकर बात की है। उन्होंने कहा है कि मैं उस पीढ़ी से आता हूँ जहाँ टेस्ट क्रिकेट को टीवी पर ज़्यादा दिखाया जाता था। मेरे लिए आज तक ये सबसे महान फॉर्मेट है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें अच्छा प्रदर्शन करता हूं तो अन्य सभी फॉर्मेट अपने आप ठीक हो जाएंगे। मैं गेंदबाजों का समर्थक हूं, मैं समझता हूं कि हमारा देश महान बल्लेबाजों को पसंद करता है और काफ़ी निष्पक्ष है, लेकिन मेरे लिए गेंदबाज खेल को आगे बढ़ाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट इतिहास में कई महान कप्तान हुए हैं, लेकिन मैं अपना नाम नहीं लूंगा, मैं अपना पसंदीदा कप्तान हूं। T20 विश्व कप में फेवरेट मोमेंट के बारे में बुमराह ने कहा, आखिरी गेंद की खुशी में मैं बयां नहीं कर सकता हूं, वो एक अलग तरह का फीलिंग है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने बाद और पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है राकेश मिश्रा, मंजीत कुमार, वेद प्रकाश सिंह, राजकिशोर महतो, सुमन कुमार मिश्रा, ओमकार सिंह, बलराम मंडल, नुन्नू गोलू कुमार, रंजीत मिश्रा, नितेश कुमार सिंह, कोनर शर्मा, अनवर करीम खान, वरुण कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में लगातार पुल गिरने के मामले सामने आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।